हिंगना विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री रमेश चंद्र बंग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने संभागीय आयुक्त से जलयुक्त शिवार योजना की आड़ में तत्कालीन सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने और कुछ लोगों और संगठनों को SIT के माध्यम से वित्तीय लाभ प्रदान करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को संजीव कुमार और जिला कलेक्टर रविन्द्र ठाकरे के माध्यम से सौंपा निवेदन। बयान के अनुसार वेना नदी के गहीकरण के लिए जलायुक्त शिवार योजना के तहत हिंगना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हिंगना तालुका और नागपुर ग्रामीण तालुका में बड़ी संख्या में कार्य किए गए हैं, जिसके लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, MIDC हिंगना और अन्य धर्मार्थ संगठनों और स्थानीय लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है। तत्कालीन जिला कलेक्टर ने अभिनव योजना के तहत काम के लिए कुछ धन दिया था, लेकिन इस काम के लिए कुल लागत और कुल धन की कोई गणना नहीं है। और क्या यह कार्य नियमानुसार किया गया था? क्या ग्राम पंचायत और नगर पंचायत ने इसके लिए कोई निर्णय लिया? क्या इस कार्य की गुणवत्ता और गुणवत्ता की जांच की गई? क्या सरकार द्वारा इस काम के लिए लोगों को जुटाने के लिए माझी वेना माझी गंगा एक संगठन है? हालांकि इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, इस काम की जांच की जरूरत है। तालुका में रायपुर, जूनेवानी, डिगमा, किन्ही, हिंगना, सावंगी, पिपलधरा, ढोकाडा, कन्होलीभाड़ा में भी गांव में जल समृद्ध शिवार योजना के गैर कानूनी कामों पर भ्रष्टाचार किया गया। हालांकि बयान में कहा गया है कि इस मामले की जांच SIT के माध्यम से की जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ तत्काल आरोप दर्ज किए जाने चाहिए। पूर्व मंत्री रमेश चंद्र बंग, पूर्व विधायक विजय घोड़मारे, ZP महिला एवं बाल कल्याण अध्यक्ष उज्ज्वला बुढ़ारे, जिला परिषद सदस्य दिनेश बंग, सुचिता ठाकरे, वृंदा नागपुरे, राकपा हिंगना विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश नागपुरे, हिंगना पंचायत समिति अध्यक्ष बबनराव अभाले, उपसभापति सुषमा कावरे, पंचायत समिति नागपुर के अध्यक्ष संजय चिकटे, राकपा हिंगना तालुका अध्यक्ष प्रवीण खाड़े, नागपुर तालुका अध्यक्ष संजय कूटे, विनोद ठाकरे आदि उपस्थित थे। हिंगना से आशीष गोंडाने की रिपोर्ट, NBCN न्यूज़ नागपुर।